नैब कानून में तरमीम का मकसद किसी को एनआरओ देना नहीं। करप्शन मुल्क का सबसे बड़ा मसला है, समझौता नहीं करेंगे, खात्मा करके ही दम लेंगे। स्पीकर असद कैसर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा हुकूमत नैब चेयरमैन की मुद्दत मुलाजमत में तौसी नहीं चाहती। अपोजिशन से मुजाकिरात सिर्फ नैब के हवाले से नहीं, एफएटीएफ समेत 15 दीगर कवानीन पर बात हो रही है। कानून में तब्दील किया जाए, उसको एक्सटेंशन दिया जाए, वो ड्राफ्ट ओरिजिनल गवर्नमेंट का नहीं था, वो कहीं आगे पीछे से आया हुआ था। बहरहाल वो गवर्नमेंट ने रेक्टिफाई किया है और उसने एक्सप्लेन किया है अपोजिशन को। पाकिस्तान के लिए बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है कि एफएटीएफ में ये कानून साजी ज़रूर करनी है, और उसके लिए सारा कुछ, ये तकरीबन 15 लेजिस्लेशन है जो इसके थ्रू होना है। इस पर सिर्फ एक नैब का नहीं है, दूसरा यह कि नैब के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के भी डिसीजन आ चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ डायरेक्शन दी हैं।